हिमाचल प्रदेश में शिमला के बाद दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र है, भौगोलिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी। जिस तरह का महत्व शिमला का है, चाहे राजधानी के साथ साथ में विधानसभा की वजह से है, चाहे उसके अतिरिक्त जो है टूरिज्म की इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की वजह से है, पर्यटन के अतिरिक्त इस क्षेत्र के जो हमारा रीजनल लोअर हिमाचल का इलाका बनता है, उस दृष्टि से इस क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात हमने एक इनिशिएटिव लिया था, विशेष तौर से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट था, तो प्रश्न ये था कि इस कार्यक्रम को हम करना चाहते हैं जहां पर देश भर के इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं, दुनिया भर के बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं, कि इसके लिए धर्मशाला से बेहतर कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता, और धर्मशाला में होने वो इन्वेस्टर्स मीट किया था। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, उस इन्वेस्टर्स मीट के प्रोग्राम में, कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए पहली अगर स्मार्ट सिटी की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई। हालांकि नगर निगम उस वक्त नई बनी थी, आदरणीय देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 2015 में हिमाचल प्रदेश में अगर स्मार्ट सिटी का अगर तोहफे की शुरुआत हुई तो यहाँ धर्मशाला से हुई आपके बीच। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने कहा कि जो चीजें की जा सकती है उसमें करने में हम कमी नहीं छोड़े। हमने 150 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए, उसमें से 12 करोड़ से ज्यादा के हमने उद्घाटन भी कर दिए, जो शिलान्यास किए थे काम चल रहा है। और उसके बाद हमने अभी हाल ही में पिछले दिनों 100 करोड़ के और हमने शिलान्यास किए, काम अवार्ड करके काम शुरू होने वाले हैं, कुछ काम शुरू हो चुके हैं। ये धर्मशाला में अगर स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम होना चाहिए तो उसमें विलंब नहीं होना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ कॉरपोरेशन हमारे हिसाब की होती, सारी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए सहयोग मिलता, तो आज जिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का हमने शिलान्यास किया है उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है आज उद्घाटन के लिए तैयार हो जाए। अगर इसमें आप तेजी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि धर्मशाला में सारी चीजें जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कल्पना की है धर्मशाला के बारे में, जिस प्रकार से हम सब लोगों ने सोचा है, जिस प्रकार से हमने यहाँ के विकास के लिए जो पैसा दे करके यहाँ पर शिलान्यास किए हैं, तमाम सारे काम अगर जमीन पर खड़े होकर के वो दिखने चाहिए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपकी यहाँ पर हमारे हिसाब से कॉरपोरेशन नगर निगम बननी चाहिए। ये हमारे